डीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुए? क्या रसूखदार लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है? मैं बार बार कहता हूं, यदि डॉक्टर्स और अन्य लोगों के लिए कानून नहीं है तो फिर आम आदमी को जेल में शराब के नाम पर, पीने के नाम पर, बेचने के नाम पर क्यों बंद रखा गया? जिस तरीके से बेगूसराय की घटना को किया गया, मेरा मानना है कि यह हमारे सरकार पर सवाल खड़ा करता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, मधेपुरा से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव फिर बोल रहे हैं, शराब को लेकर बोले और पुलिस प्रशासन को लेकर बोले, नीतीश कुमार से क्या मांग कर रहे थे और बेगूसराय वाला जो कांड हुआ है उसके बारे में क्या बोल रहे थे, वो आप सीधे सुन लीजिए। मधेपुरा से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव शराब को लेकर फिर बोल रहे हैं, फिर गुहार लगा रहे हैं, नीतीश कुमार को फिर से कह रहे हैं, तो बस क्या कुछ कह रहे पप्पू यादव, आप वो सुनिए। मैं लगातार शराब के बिंदु पर मैं मामला उठाता रहा हूं। सरकार की नीति, जो मुख्यमंत्री जी की जो सबसे महत्वाकांक्षी निर्णय है, आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने की, जिसमें शराब नीति सही माने में यह बेहतर नीति थी, लेकिन हमने कभी भी बार बार हमने इस पर मूल्यांकन नहीं हम करते कि क्या स्थिति है, क्या इस पर हम कर सकते हैं या नहीं। कानून या कोई भी चीज जब बनता है और उस कानून को हम बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं तो उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता होती है। मैं हमेशा कहता हूं, एक तरफ इतनी ज्यादा राजस्व की क्षति है, दूसरी तरफ हमारे राजस्व से दूसरे राज्यों की तरक्की होती है। माफिया, शराब माफिया, नेता पदाधिकारी की माफियाओं की छानबीन है, हजारों लाखों लोग जेल में हैं। अभी जो शराब पार्टी हुई जो डीएमसीएच में, मैं बार बार कहता हूं कि क्या अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई? उल्टे पत्रकारों को जान से मारने की धमकी, क्या डीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट शराब पार्टी में नहीं थे? फिर डीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुए? क्या रसूखदार लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है? पैसे वालों के लिए कोई कानून संविधान नहीं है? वह हर कानून संविधान की धज्जियां दोहराते जाए, उसको तोड़ते जाए, आम आदमी जेल जाए। मैं बार बार कहता हूं, यदि डॉक्टर्स और अन्य लोगों के लिए कानून नहीं है तो फिर आम आदमी को जेल में शराब के नाम पर, पीने के नाम पर, बेचने के नाम पर क्यों बंद रखा गया? जो घटना घटित हुई है बेगूसराय में, सब इंस्पेक्टर को शराब माफियाओं ने गाड़ी से कह के रौंद के मार दिया, क्या उसे फांसी नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलनी चाहिए? क्या उसकी अविलंब गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? और इतना बड़ा दुस्साहस, जिस तरीके से बेगूसराय की घटना को किया गया, मेरा मानना है कि यह हमारे सरकार पर सवाल खड़ा करता है। क्या कारण है कि इन दुशासनों के भीतर डर खत्म हो गया है? इनके भीतर कानून का डर नहीं है, खौफ नहीं है। सरकार क्या हमारी इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहती है? मैं चाहता हूं कि इस घटना में अविलंब जांच हो और जो लोग इन्वॉल्व हैं उस पर अविलंब कार्रवाई हो, चाहे डीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट हो उस पर भी कार्रवाई हो, चाहे बेगूसराय में जो भी इस माफिया इसमें लंबित हो उस पर भी कार्रवाई हो, अविलंब एसपीडी ट्रायल करके इसमें सजा दी जाए। बड़ा से बड़ा लोग जिसमें इन्वॉल्व हो शराब पार्टी में या इस सब इंस्पेक्टर के मौत में, अविलंब गिरफ्तारी के साथ जेल में बंदकर उस न्याय मिले उस परिवार को। तो आपने सुन लिया कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव शराब को लेकर फिर सामने आए हैं, बोले हैं, डीएमसीएच के बारे में भी फिर से खुलासा कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि प्रशासन सो रही है, प्रशासन डरती है, प्रशासन पे दबाव है। नीतीश कुमार से क्या मांग कर रहे थे वो भी आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।